जैसे यहाँ पर सर ने बताया कि भाई कंपनी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं, कंपनी के कुछ पॉलिसीज, कुछ नियम चेंज हुए हैं। आई थिंक आप सब लोग ड्रेस कोड में आ गए, पहले शायद हमारे वहाँ पर ड्रेस कोड का नहीं था। तो ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि हम एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, हम एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। जैसे आज एक रिलायंस में काम करने वाला इंसान ना छाती फुला के बैठा है, रिलायंस में काम करता हूं। एक टाटा में काम करने वाला इंसान छाती फुला के बोलता है, मैं टाटा में काम कर रहा हूं। हम एक ऐसी ब्रांड बनाएंगे कि आप भी छाती फुला के बोल पाओगे, सोलांस में काम करते हैं। लेकिन यह ब्रांड ना सिर्फ एक इंसान से नहीं बनेगा, हर एक इंसान को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? क्या तैयार हैं? तो आपको सिस्टम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, देन आपको ट्रैकिंग की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि 200 करोड़ अगर साल के एंड तक मुझे पहुंचना है तो उसके लिए मैं अभी कहां हूं, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी कहां है ये जानना जरूरी है। और उसके लिए आप ना अपने डिपार्टमेंट वाइज क्वार्टरली मीट करो, मंथली मीट करो, वीकली मीट करो, ताकि आपको समझ में आए कि हम हर हफ्ते क्या कर रहे हैं, हर महीने हम कितना कर रहे हैं, हर क्वार्टर में हम कितना कर रहे हैं। तब आप अपने पूरे साल को ट्रैक कर पाओगे। याद रखना, यह बहुत जरूरी है, अपने आप को ट्रैक करना। क्योंकि जब आप ट्रैक कर पाओगे ना, तो अगर कोई गलती आप करो ना, तो उस गलती को इमीडिएटली आप सुधार पाओगे। तो अगर आपको अपनी कंपनी को ब्रांड बनानी है ना, तो ये 6 चीजों की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये 6 चीजों की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको विजन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, गोल की, डेली शेड्यूल की, आपके कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, सिस्टम की, एंड ट्रैकिंग की प्लानिंग। अगर ये 6 चीजों की हमने प्लानिंग कर ली ना, तो मैं आपको पूरे गारंटी के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस साल आप 200 करोड़ नहीं, आप 250 करोड़ करोगे। अगर आपने इन चीजों की प्लानिंग कर ली और उसके ऊपर मेहनत कल से करना शुरू कर दिया, तो आप 200 नहीं, आप 250 करोड़ के ऊपर बैठोगे। और अगले साल फिर हम मीटिंग करेंगे, जैसे कि हार्दिक सर ने बोला ना, अगले साल हम मीटिंग करेंगे तो ये हॉल हमारे लिए छोटा पड़ेगा, हमें इसका 4 गुना बड़ा हॉल चाहिए रहेगा। क्या तैयार हो? तैयार हो? अगले बार ना जिंजर वाले मना करेंगे, बोलेंगे सर हमारे यहां इतना जगह नहीं है, आपके लोग हमारे वहां नहीं आ पाएंगे, हम इतना बड़ा हमारा एनुअल प्लान मीटिंग करेंगे। करेंगे? हेलो 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 हेलो, करेंगे 200 करोड़ के ऊपर? करेंगे? वेरी गुड। क्योंकि देखिए, नो प्लान इज इक्वल टू नो ग्रोथ। आपके पास प्लान नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आप टहलते टहलते हिमालय नहीं चढ़ सकते हो। आप टहलते टहलते हिमालय नहीं चढ़ सकते हो, आपको हिमालय चढ़ने के लिए प्लानिंग चाहिए। तो आपने जो टारगेट लिया है ना, वो आपका हिमालय है, और हिमालय पर चढ़ने के लिए आपको चाहिए प्लान। बनाएंगे? तैयार हैं? बनाएंगे 200 करोड़ के ऊपर? चलिए, तो मैं आपको अब बताता हूं कि सोलांस को ब्रांड बनाएंगे कैसे इस साल, क्या चीजें करने की जरूरत है, ताकि इस साल हम अपनी ब्रांड को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी भी सोलांस के बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको 9 स्ट्रेटजी बताऊंगा, 9 स्ट्रेटजी टू बिल्ड अ ब्रांड। कि इस साल अगर ये 9 चीजें आपने की, तो आपकी ब्रांड जो है, जो सर ने बताया कि 5 साल के बाद का हमारा वैल्यूएशन 1500 करोड़ का है, वो आप आने वाले 1 या 2 साल में कर सकते हो, अगर ये 9 स्ट्रेटजी को आपने इम्प्लीमेंट कर दी। तो कौन सी वो 9 स्ट्रेटजी है जिससे हम एक ब्रांड बनाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला, डिसाइड वेयर टू गो। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपने 200 करोड़ का जो टारगेट लिया है ना, आप आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना टारगेट लगा दो। आपकी कंपनी के अंदर जहां जहां पर ऐसी जगह है जहां पे हमारी नजर पड़ती है ना, वहां पर आपके पास ये टारगेट होना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, बिजनेस विदाउट गोल इज लाइक बॉडी विदाउट सोल।
बिजनेस में गोल नहीं है ना, इसका मतलब शरीर में आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर लाश की तरह चल रहा है। और जिस बिजनेस में गोल नहीं होता है ना, उस बिजनेस के अंदर जान नहीं होता है, वो सिर्फ खिसक रहा है, राम भरोसे चल रहा है। और राम भरोसे की चीज ज्यादा लंबी नहीं चलती। तो आपके डिपार्टमेंट के अंदर जहां पर भी आपकी नजर पड़ती है ना, वहां पे 200 करोड़ का टारगेट लगा लो। जब तक आप कंपनी में रहो ना, आपके अंदर एक ख्याल चलना चाहिए कि यार मेरे को इस साल 200 करोड़ तक कंपनी को लेकर जाना है और उसके अंदर मुझे मेरा बेस्ट देना है। क्योंकि याद रखना, ये 200 करोड़ का जो टारगेट है वो फ्रंट लाइन लीडर्स के लिए नहीं है, ये फ्रंट लाइन लीडर्स के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। अब सबसे बड़ी चीज पता है जो लोगों की मिस्टेक होती है, वो क्या होती है, ये 200 करोड़ का टारगेट पूरा करेगा कौन? हेलो, 200 करोड़ का टारगेट पूरा करेगा कौन? नहीं, कौन करेगा? हम करेंगे। अच्छा ठीक। अच्छा बीबी किसकी, हमारी की मेरी है ना, तो टारगेट किसका? हाँ ठीक है, अभी सही जगह है। ऐसा होता ना, बीबी हमारी, हाँ ठीक है, तो टारगेट पूरा करेगा कौन? हाँ। वो क्या है ना, हम ट्रेनर लोग ना ऐसे कान नहीं पकड़ाते, हम घुमा के पकड़ाते हैं। क्योंकि सीधा पकड़ाएंगे तो कई बार ना चीजें समझ नहीं पाते। तो टारगेट किसका? मेरा। तो आपको अपना 200 करोड़ का टारगेट आपके डिपार्टमेंट में लगाना है, ना कि मैनेजमेंट लगाने आएगा। समझना इस चीज को। और ये करेंगे कब? हाँ, तो ये छोड़ने से पहले ना 200 करोड़ का एक बढ़िया सा प्रिंट आउट बना लो। ऐसा हो तो सर आपको बना के दे देंगे। और कल मॉर्निंग में आके सबसे पहला काम कि 200 करोड़ का टारगेट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर लग जाना चाहिए। और ये जवाबदारी किसकी? हाँ सही है, वेरी गुड, है ना। तो पहला है कि हमें डिसाइड करना है कि कहां तक जाना है ब्रांड बनाने के, पहली स्ट्रेटेजी। तो पहली स्ट्रेटेजी है, हमने बना ली टारगेट। अब दूसरी स्ट्रेटेजी, डिलीवर ए क्वालिटी प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट में दम होगा तो लोग ना आपकी ब्रांडिंग खुद करेंगे, आपके बारे में खुद बोलेंगे। समझना, मैं ना बहुत सारी कंपनी में काम करता हूं, तो हम एक चीज बताते हैं जो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। आपका सेल नहीं बढ़ रहा है ना, या आपके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं ना, तो दो कारण है। आपका सेल नहीं बढ़ रहा है या आपका कस्टमर प्रोडक्ट आपकी नहीं ले रहा है, तो दो कारण है। पहला, या तो आपके पास अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, या तो आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन लोगों को पता नहीं है। रिपीट करता हूं, या तो आपके पास अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, या तो आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट के अंदर कहीं दिक्कत है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारिए, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है तो मार्केटिंग कीजिए, लेकिन प्रोडक्ट ए क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि योर क्वालिटी टेल्स अबाउट यू। आपकी क्वालिटी आपके बारे में बताती है। जब आपकी क्वालिटी में दम होता है ना, तो आपका ग्राहक ना 4 नए ग्राहक लेकर आता है। आपकी प्रोडक्ट में दम होता है ना, तो आपका कस्टमर आपका खुद ब्रांडिंग करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सर मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, 2-व्हीलर, कौन सी कंपनी का लूं? हीरो। हीरो वाला आपको कुछ पैसा देता है ये बताने का? नहीं ना, फिर भी आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर जब की प्रोडक्ट होगी ना, और किसी ने पूछा ना यार मेरे को मेरी गाड़ी के अंदर बैटरी डालनी है, कौन सी कंपनी का लूं, तो लोग क्या बोलना चाहिए? जोर से क्या बोलना चाहिए?